नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत करुचे। दर्शक बंधु, नूतन ज्ञानकौशल चाषी भाई मानक पाखरे प्रेरण करिवार अनेक गुड़े माध्यम रही, जेमिती कि तालीम, प्रशिक्षण, प्रशिक्षण पुस्तिका, कृषि पत्रिका एवं विभिन्न संवाद पत्र कृषि पृष्ठ माध्यम। तेबे जेतिके संख्या रे ज्ञानकौशल से मानक पाखरे पहुँचे ताठारो ढेर अधिक ज्ञानकौशल से मानक पाखरे पहुँचे थाए आमर ए कार्यक्रम कृषि दर्शन। चाष सरीगले काम सरी जाए एटा भाविबा भूल, कारण अमल हेतिबा फसल को बजार उचित दाम रे बिक्री करिबा होची सबुठारु बड़ कथा। सेतिपई त आमे आम कार्यक्रम रखि थाउ बजार दर। हाँ, से संपर्क तो जानिबा, किंतु ता पूर्वरु आसंतो जानबा किछि कृषि खबर। नमस्कार, कृषि खबर को आपण मानक स्वागत। कृषि और कृषक सकल उन्नति, राज्य तथा देशर उन्नति, नूतन कृषि भित्तिक तथ्य आज आम चाषी भाई कृषि कार्य को सहज करिपारिछि। आम कृषि वैज्ञानिक मानक द्वारा जो सबू नूतन ज्ञानकौशल पद्धति उद्भावन होता उत्पादन क्षेत्र में बलिष्ठ भूमिका तुलाऊँगी। यही सब तथ्य को आम चाषी भाई पाखे पहुँचाई आम कार्यक्रम रही कृषि खबर। तबे आसंतु सेसब उपर नजर पकाई नेबा। उद्यान विभाग पक्षर आर्थिक प्रोत्साहन, पनीपरिया फसल झाउला रोग दमन, सफल चाषी परीक्षित बेहरा। फूल फल और पनीपरिया फसल उत्पादन वृद्धि पाई आम राज्य में कार्यकारी होउछि समन्वित उद्यान कृषि विकास मिशन। यह मिशन अधीन उद्यान फसल उत्पादन वृद्धि पाई उद्यान विभाग पक्षर आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करा जाउछि। एक रु दुई एवं तीन वर्ष पाई विभिन्न पर्यायर यह सहायता प्रदान करा जाउछि। फल चाष पाई आंब, नडिया, सपुरी और लेंबू चाष पाई सहायता दिया जाउछि। सेहिपरी छाया गृह बा सबुज गृह रे संकर किसम तथा अधिक अम्लक्षम पनीपरिया फसल उत्पादन पाई मध्ये आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाउछि। साधारण लोक निज बाड़ी बगीचा रे लगाइबा पाई 10टी बा ताठारु अधिक फल चारा नेले सेमानकु मध्ये चारा लगाइबा सामग्री ओ फल गछ चारा रिहाती दर रे जोगाइ दिया जाउछि। साधारणतः पनीपरिया फसल रे अधिक मात्रा रे झाउला रोग देखिबाकु मिलिथाय। विशेष करी आलू, बैगन, टमाटो ओ लंका फसल रे एही रोग अधिक मात्रा रे देखिबाकु मिलिथाय। विभिन्न कारणरु एही रोग लागिथाय। थरे गछ झाउली पड़िबा परे पुणी पूर्व अवस्था को सहजरे फेरी आसे नाही। संक्रमित गछ डाळ को परीक्षा करिबा परे रोगर कारण जना पड़िथाय। तेणु एही समय रे जलसेचन बंद करी रासायनिक पद्धति रे औषध सिंचन करिवार आवश्यकता रहिछि। झाउली पड़िथिबा गछ को स्थल विशेष रे उपाड़ी अन्य स्थान रे पोड़ी दियंतु। तेणु निराकरण करिबा पई हेले प्रथमे जो जगार आपणकर जदि आगरो किछि फसल से आलू जातीय फसल होइथिबो ताले पाखापाखि दुई रु तीन वर्ष पर्यंत से जगार लंका, बैगण इत्यादि फसल करिबे नाही। एवं चाष समय रे आपण प्रति एकर पिछा 60 केजी निंब पिड़िया जदि मिसै के देबे ताले सेथरे अलगा फिंपी गुड़ाक संक्रमण कमी जाइथाय। ता छड़ा जोटा कि उपकारी फिंपी मानकर तार वंशवृद्धि होइथाय, जहाँफल कि अलग रोग मानक नियंत्रण करिबार से माने सक्षम होइथांथि। कु
कुकुड़ा पालन एक लाभजनक आयकारी धंदा आउ एक क्षेत्र में सफलता पाई चाषी भाई जनक होती परीक्षित बेहरा भद्रक जिला बंत ब्लक अंतर्गत जय सिंग्राम घर 3000 कुकुड़ा रहा भाई फार्म टीए कर वर्षकु 5 ब्याच कुकुड़ा बजार को पठाउछंती एथिरु थरके 50 रु 60 हजार टंका लाभ पाउछंती एही कुकुड़ा पालनरु वर्षकु मोट 2.5 रु 3 लाख टंका आय करुछंती एहा तांको पई एक लाभजनक वृत्ति पालटिछि निजे दाना ओ पानी आदि देबा सहित कुकुड़ा मानकर भल जत्न लेउछंती बिक्री बटार समस्या नथिबारु एथिरु से भल लाभ पाउछंती ए क्षेत्र रे निजर सफलता ओ अभिज्ञता विषय रे से कहंती मु 4 वर्ष होला कुकुड़ा चाष करुछि 3000 कुस्कर पटरे 3000 कुकुड़ा छाड़ी प्राइवेट रे कुकुड़ा किणिक आणुचे 4 लाख टाँह खर्च हो खाद्यपत्र सब जा खर्च बर्च जा 5 लाख टाँह बिक्री हो आसिक घर नहीं जाऊँगी कि कंपानी भी बराती आसे भी दि जा बिक्री से कौन से समस्या रो ना पैसा पत्र तो निजे व्यवस्था करके करिया पड़ी तथा आर्थिक परिस्थिति रे किछ रा सुचल आसी छी रहउछु नमस्कार ଗୋପାଳନ ଫାର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କି ଭଲ ଭାବରେ ଯଦି ଜଣେ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଘାସ ଚାଷର ଆବଶ୍ୟକତା ନିହାତି ରହିଛି ଘାସ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଥିରେ ଭିଟାମିନ୍ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଥାଏ ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗାଈକୁ
ଯଦି ଅତି କମ୍ରେ ପଚିଶରୁ ତିରିଶ କିଲୋ ଯଦି ଘାସ ଦେଇପାରିବା ତାହେଲେ ସେ ମିନିମମ୍ ଯଦି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଲିଟର ଯଦି କ୍ଷୀର ଦେଉଥିବ ତାକୁ ବିନା ଦାନାରେ ବି ଚଳେଇ ହେବ। ତେଣୁ ଆମର ଘାସ ବହୁତ ପ୍ରକାର ରହିଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ସିଜନାଲ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହେଲା ପେରିନିଆଲ ଘାସ। ସିଜନାଲ ଘାସ ସେ ତା'ର ଖରିଫ ଋତୁରେ ହୁଏ ଏବଂ ଆମର ଶୀତଦିନିଆ ଘାସ ବି ରହୁଛି ସେଇଟା। ସିଜନାଲ ହେଲା ମନେ କରନ୍ତୁ ଖରିଫ ଯେଉଁ ସିଜନ ଯେଉଁ ଘାସ ରହିଲା ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କାଓପି ଏମ୍ପି ଚାରି ଏସବୁ ରହୁଛି, ଆଉ ରବି ସିଜନରେ ଯେଉଁଟା ଘାସ ରହୁଛି ଓଟ୍ସ ବର୍ସିମ ଲୁସନ୍ ଏସବୁ ରହୁଛି, ଆଉ ସବୁଦିନିଆ ଯେଉଁଟା ପେରିନିଆଲ ଘାସ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ନେପିଅର କଙ୍ଗୋ ସିଗ୍ନାଲ ଏନ୍ବି 21 ଇତ୍ୟାଦି ଏସବୁ ଘାସ ରହୁଛି। ଗୋଟିଏ ଗାଈକୁ ଅତି କମ୍ରେ ପଚିଶରୁ ତିରିଶ କିଲୋ ଘାସ ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ, ଆଉ ୟା ସାଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଯଦି ଦାନା ଦେବା ତାହେଲେ କ୍ଷୀରର ପରିମାଣଟା ବଢ଼ିବ। ମନେକରନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ସେ ତିନି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଓଜନ ହୋଇଥିବ, ତାକୁ ଆମେ ପଚିଶରୁ ତିରିଶ କିଲୋ ଏ ଘାସ ଦେବା, ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚ କିଲୋ ନଡ଼ା ଦେବା ଏବଂ ତାକୁ ସେ ଅନୁପାତରେ ପ୍ରତି ଅଢ଼େଇରୁ ତିନି ଲିଟର କ୍ଷୀର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କିଲୋ ଲେଖା ଆମେ ସୁଷମ ଦାନା ଦେଇପାରିବା। ଆମର ଯେଉଁ ଘାସ ରହୁଛି, ମନେକରନ୍ତୁ ଆମେ ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ଗାଈ ରଖିବା ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଏକର ନିହାତି ତା ପାଇଁ ଘାସ କରିବା ପାଇଁ ଜାଗା ରଖିବା କଥା। ସେଥିରେ ଆମେ ଅଧ ଏକରରେ ଯେଉଁଟା ସବୁଦିନିଆ ଘାସ ଏବଂ ଅଧ ଏକରରେ ଆମର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଟାଇପ୍ରେ ଯେଉଁ ଘାସ ହେଉଛି ଏ ବର୍ଷାଦିନିଆ ଏବଂ ଶୀତଦିନିଆ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଘାସ ହେଉଛି ଆମେ ଘାସ ଲଗେଇକରି ସେଥିରୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଷ୍ଟ ଟୁୱାର୍ଡ଼ସ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ ସେଇଟା କମିଯିବ। ସେଥିରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଭିଟାମିନ୍ ରହୁଛି। ଆମେ ଯଦି ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ରୋଗ ଅଛି ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଅଭାବରୁ ଯେଉଁ ରୋଗ ହୁଏ ଅନ୍ଧାରକଣା ରୋଗ, ବାଛୁରୀ ଦେଖିବେ ଗାଈ ଜନ୍ମ କଲା ମାତ୍ରେ ବାଛୁରୀ ଅନ୍ଧ ଆକାରରେ ବି ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେଇଟା କ'ଣ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଡେଫିସିଏନ୍ସିରେ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଗାଈକୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଯଦି ଭଲ ଘାସ ଦେଇପାରିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘାସ କଥା କହିଲି, ହାଇବ୍ରିଡ୍ ନେପିଅର କି ଏନ୍ବି 21 କି ଆମର ଯେଉଁ ସିଜନାଲ ଯେଉଁ ଘାସ କଥା କହିଲି ଲୁସନ ପାରା ଏସବୁ ଘାସ ଦେଇପାରିବା, ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ଅଂଶର ରହୁଛି ଭିଟାମିନ୍ ଏଟା ସେଥିରୁ ସେ ତା'ର ଯେଉଁ ଚାହିଦାଟାକୁ ମେଣ୍ଟେଇ ପାରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବାଛୁରୀ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧାରକଣା ରୋଗ ନ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଉପଦେଶ ନେବା କଥା। ଆଉ ବାଛୁରୀକୁ ଆମେ ବି ଭଲ ଯଦି ମୁଠେଇ ଘାସ ଦେଇପାରିବା ସେ ବି ତା'ର ଗ୍ରୋଥ ଭଲ ହେବ, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଗାଈଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତିକି ଖାଇବାକୁ ଦେବା ସେତିକି ଆମର କ୍ଷୀରର ପରିମାଣଟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଯେତେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଘାସ ଚାଷ କରନ୍ତୁ ନିଜ ବାଡ଼ିରେ କିଛି ନା କିଛି, ଏବଂ ନିଜର ଯେଉଁ ଯିଏ ବି ଯାହା ଯେତିକି ଗାଈ ରଖିଛନ୍ତି ଦୁଇଟା କି ଚାରିଟା ଗାଈ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘାସ ମୁଠେ ମୁଠେ ଡେଲି ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋପାଳନ
ବଜାର ପାଇଁ ହୁଏ ଅଧିକ ଅମଳ ପଶୁ ସମ୍ପଦର ମୂଲ ନାହିଁ ତାର ସମତୁଲ ଗୋପାଳନ କରିବାକୁ ଦିଅ ଭାଇ ଧ୍ୟାନ ଗୋପାଳନ जोखिम से निकल कर फसल आए सुरक्षित हो जाए फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। गजपति जिला मोहना ब्लॉक गिलाकुटार चाषी सुमंत माझी पूर्वरु चिराचरित ढंगरे चाष करुथुबा सुमंत एबे ड्रिप इरिगेशन माध्यमरे पनीपरिबा चाष करुछंती। ड्रिप इरिगेशन बा बुंदा जलसेचन माध्यमरे जमीरे जलर सुपरिचालना होइथाए। जमी पई आवश्यक जलकु सठिक रूपे परिचालना करी चाषीटिए भल उत्पादन पाए, एही कथाकु बुझी ड्रिप इरिगेशन माध्यमरे चाष करिछंती सुमंत। एही टैंकर रे पानी रहिछि, प्रत्येकटी गछमूळरे जल पहुँचाइबा पई पाइप माध्यमरे टैंकर पानी को व्यवहार करा जाउछि, जहाद्वारा पूरा जमी जलसचित होई पारिछि। एही ड्रिप इरिगेशन माध्यमरे चाष करी सुमंत आजि बेस सफल। एही पडिया मानकर किछि चाष होई पारनथिला, खाली आम चाष करूल जारिफल बिलरे खाली धान चाष होतला, ए बाड़ मानकर कौनसी चाष होई पारनथिला कारण पानीर अभाव सकाशे कौन सी चाष हो पार ना। सरकार योजना सकाशे जे कि वर्तमान ड्रिप चाषी मध्यम दे टांकी एवं जुगाई वर्तमान आम अनेक बैंगन बा मरीच चाष कर पार्छे। वर्तमान मु ड्रिप चाष मध्यम पनीपरिया लगे किसी परिवार बढ़ावा निम्ते मु आग्रह प्रकाश कर जार फल आम मैंने देखी नथिलु ड्रिप चाष आउटेलपी ग्राम विकास दे जहाँकि बालीपड़ा ग्राम को एक्सपोजर जाए देखी से ताहा देखी आम मैंने मोर हृदय यहपरी है मुझेपरि चाष करी बोली आजे यहपरि चाष कर ए वर्षटार मु आरंभ करी दिहाई आंब लिचु से आंब 40 गचर मोर वर्तमान 33 गच रही जहाँ बल्का मरी जा आंब भी आगे बर्तमान 2011 लगे बर्तमान बर्षे चलुची। सुमंत सफलता पछरे आदिवासी उन्नयन संस्था एवं सरकार हाथ रही चाषी निमन्ते कार्य करुथुबा आदिवासी उन्नयन संस्था पक्षरु सुमंत बेस किछि साहाज्य सहयोग मिलिछि। साधारणत आम ये देखुं आपण ड्रिप इरिगेशन सिस्टम रे आमर पनीपरिया चाष एटा आमर गजपति जिले में 26 जन को दिखाई 26 जन भितर ये जो माझी ये जो आम बेनिफिशियरी से चाष करुँ चाष आगर ये ड्रिप इरिगेशन ये नाला ये कनसेप्टा नुआ करके आम लोक मानू इंट्रोड्यूस करपाई एक्सपोयर भिजिट नहीं बाहर को आणी मोटिवेट करके जिनस करेंशा आदिवासी सशक्तिकरण और जीविका निर्वाह कार्यक्रम साधारणतः तो दुईटा जिनस बेसी गुरुत्व दे था गोटे जिनस हूँ खाद्य निरापत्ता आ गोटे लोकंर दक्षता वृद्धि यापाई आमर साधारणतः तो आईफाड जो चाष उपर जो संस्था कम करजात संस्था से
ପ୍ଲସ୍ WFP DFID ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଏଇ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ OTELP ଓଡ଼ିଶା ଆଦିବାସୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ଓ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏହା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଇସା ଆସୁଛି, ଲୋକମାନେ ଏଇ ପଇସାଟା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଖକୁ ପଇସା ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କର ଓନରସିପ୍ ବା ଅଧିକାରଟା ନିଜର ମାଲିକାନା ରହୁଛି ଏହା ଉପରେ। ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ସଫଳତା, ବଢ଼ିବ ଉତ୍ପାଦନ, ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି, ନୂତନ ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଚାଷୀମାନେ ଆଜି ନୂତନ ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଆପଣାଇ ବେଶ୍ ସଫଳ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗଜପତିର ସୁମନ୍ତ ଅନ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ନିଶ୍ଚୟ। ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁବେଳେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହରେ ଆଣିଥାଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଫୋନ୍ ଇନ୍। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ସପ୍ତାହର ଫୋନ୍ ଇନ୍ର ବିଷୟବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ହେଲା ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦୁଇଟି ହେଲା 0674230001038 ଯାହାକି ଦେୟଯୁକ୍ତ ନମ୍ବର ଅଟେ, 1800345672 ଯାହାକି ଦେୟମୁକ୍ତ ନମ୍ବର ଅଟେ। କୃଷି ଓ କୃଷକ ପରସ୍ପର ସହିତ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। କୃଷି ସହିତ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କୃଷିକୁ ଆପଣ ଯଦି ଚାଷ କରିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଭ ମିଳିପାରିବ। ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଠିକଣାଟି କହିଦେଉଛି। ଠିକଣାଟି ହେଲା କୃଷି ଦର୍ଶନ ମାର୍ଫତ ଉପମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦୂରଦର୍ଶନ କେନ୍ଦ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର 751005। ଆପଣ ଆମକୁ ଇମେଲ୍ ବି କରିପାରିବେ। ଆମର ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ହେଲା KDBBSR@hotmail.com।